नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिल्म निर्माता लीना मनी मेकलाई के खिलाफ दिल्ली और यूपी के थानों में कई धाराओं में केस दर्ज हो चुके हैं। उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोहित्रा का भी बड़ा बयान आ रहा है। वो ये कह रही है कि हमारे पास भगवान को किस तरह से हम पूजते हैं ये हमारी मर्जी है, हमारे मन में उनकी क्या छवि है उससे किसी को क्या मतलब। यानी कि मोहित्रा का लीना को सीधा सीधा समर्थन है, तो फिर मोहित्रा जी काली देवी के हाथ में एलजीबीटी का झंडा दिखाने का क्या मतलब है, उनके मुंह में सिगरेट देने का क्या मतलब है, क्या मतलब है इस तरीके के बेहुदा पोस्टर का। शायद इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का वक्त आ गया है। काली पोस्टर को लेकर के आज के जो अपडेट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। फिल्म निर्माता लीना मनी मेकलाई के खिलाफ, जैसा कि मैंने बताया, यूपी और दिल्ली के थानों में केस दर्ज हो गए हैं। यूपी के लखनऊ में हजरतगंज थाने में और गोंडा में एक एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी इस फिल्म मेकर के खिलाफ एक्शन लिया है। इस फिल्म को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और बढ़े हुए विवाद की वजह जो है वो काली को सिगरेट पीते हुए दिखाना है। और इसी बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोहित्रा का ये बयान आया है। उनका कहना है कि उनके लिए काली मांस मदिरा स्वीकार करने वाली देवी है और इस बात की किसी को भी आज़ादी है कि वो अपने भगवान को किस तरीके से अपनी कल्पना में देखता है और इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से पूजा की जाती है जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसे क्या कहेंगे कि देवी के हाथ में एलजीबीटी का समुदाय का सतरंगा झंडा भी दिखाया गया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट ने कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल दिल्ली पुलिस को काली मां वाले पोस्टर के विवाद से दो शिकायतें मिली हैं। एक शिकायत नई दिल्ली जिले से है, दूसरी शिकायत साइबर क्राइम देखने वाली आईएफएसओ यूनिट को मिली है। आईएफएसओ यूनिट ने जाति और धर्म के नाम पर भड़काने का मामला दर्ज किया है। वहीं दिल्ली जिला पुलिस को मिली शिकायत पर जांच चल रही है और जरूरत पड़ने पर फिल्म मेकर से ईमेल या नोटिस के माध्यम से संपर्क करके पूछताछ भी की जाएगी। लीना हाल ही में आई डॉक्यूमेंट्री फिल्म के नए पोस्टर को लेकर के विवादों में गिर गई हैं। उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का एक पोस्टर जारी किया था सोशल मीडिया पे और अब सोशल मीडिया पे ही बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। लोगों का आरोप है कि इस पोस्टर के जरिए उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। फिल्म के पोस्टर को लेकर के सोशल मीडिया पे लगातार मनी मेकलाई को ट्रोल किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर ट्विटर पर उनके अरेस्ट किए जाने को लेकर के ट्रेंड हो रहा है। उन्हें हैशटैग अरेस्ट मीना मेकलाई करके ट्रेंड किया जा रहा है। अब उन पर कानूनी मामले दर्ज होने लगे हैं। यूपी के हजरतगंज और गोंडा में लीना के खिलाफ केस दर्ज हुए हैं। उधर मनी मेकलाई की तरफ से भी इस पर एक स्पष्टीकरण आया है। उन्होंने तमिल में एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक शाम, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, वो कह रही है कि एक शाम काली प्रकट होती है और टोरंटो की सड़कों में घूमने लगती है। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप मेरी गिरफ्तारी की मांग नहीं करेंगे बल्कि आप मुझसे प्यार करने लगेंगे। और एलजीबीटी का झंडा दिखाना, काली को सिगरेट के साथ दिखाना, इस डॉक्यूमेंट्री में क्या होगा ये तो पोस्टर से ही पता चल रहा है। और अब उन पे पलटवार भी शुरू होने शुरू हो गए हैं। इंडियन फिल्म मेकर अशोक पंडित भी लीना मनी मेकलाई पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अशोक पंडित ने ट्वीट करके लीना के पुराने ट्वीट शेयर करते हुए कहा है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। अशोक पंडित ने लीना का एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें लीना ने कहा है कि राम भगवान नहीं है, वो केवल बीजेपी की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इस ट्वीट को शेयर करते हुए अशोक पंडित ने लिखा, लीना मनी मेकलाई, तुम जैसे नफरत फैलाने वाले से और क्या उम्मीद की जा सकती है।
जिसे अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग द्वारा लिखवाया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, पोषित किया जाता है। हमारे इस नए भारत में हिंदुओं के प्रति आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं होगी। अब बहुत हो गया और तुम बेनकाब हो चुके हो। इसके अलावा अशोक पंडित ने लीना का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्वीट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर मोदी पीएम बनते हैं तो मैं अपना राशन कार्ड, पैन कार्ड, नागरिकता सब कुछ छोड़ दूंगी। कसम खा रही हूँ। इसे शेयर करते हुए अशोक पंडित ने लिखा है, मैडम लीना मनी मेकलाई, आपने जो देश को वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। आज 8 साल हो गए हैं नरेंद्र मोदी को पीएम बने हुए और आपने अब तक अपने बैग पैक नहीं किए हैं और पाकिस्तान या चाइना नहीं गए हैं। आप इस देश के लिए बोझ हैं। फिल्म मेकर होने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि लीना एक कवित्री भी हैं, अदाकारा भी हैं। उन्होंने अपने फिल्म मेकिंग के करियर में डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन और एक्सपेरिमेंटल पोएम फिल्म्स बनाई हैं। इसके साथ ही लीना के 5 कविता संकलन भी प्रकाशित हुए हैं। अगर उनको अवार्ड्स की बात करें तो काफ़ी सारे अवार्ड्स भी उनकी झोली में हैं। उन्हें इंटरनेशनल और नेशनल फिल्म फेस्टिवल में कई अवार्ड्स से नवाजा जा चुका है। मथम्मा शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री से 2002 में अपने फिल्मी करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद कई कंट्रोवर्शियल फिल्में बनाई। तो ये देख करके लगता है कि उनका कंट्रोवर्सी से कोई नया रिश्ता नहीं है। वो हमेशा कंट्रोवर्सी में ही रहना पसंद करती हैं, इसीलिए वो कंट्रोवर्शियल फिल्में बनाती हैं। अब किसी का दिमाग तो चल नहीं गया है कि कोई उनको कंट्रोवर्सी में घसीटेगा, फिर उस पर FIR करेगा, फिर उनको सोशल मीडिया पे ट्रोल करेगा। उनके काम ही ऐसे हैं। और सबसे जो बात आज पिंच कर रही है वो ये है कि उनको लेकर के तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा का भी बयान आया है। वो ये कह रही है कि काली देवी जो है मांस और मदिरा का सेवन करती हैं, लेकिन वो मांस और मदिरे का जो सेवन करती हैं उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सिगरेट के साथ दिखाइए। और उन्होंने अपने बयान में ये भी जोड़ा है कि हर किसी को इस चीज़ की आज़ादी है कि वो अपने भगवान को किस तरीके से कल्पना करता है। तो इस पर सवाल ये भी बनता है कि क्या मीना ऐसी कल्पना करती हैं कि काली देवी टोरंटो की सड़कों पर सिगरेट पीती हुई नजर आएंगी और फिर उनके हाथ में LGBT का झंडा भी है। ये सब दिखा करके वो क्या कहना चाह रही हैं, काली देवी के हाथ में LGBT का झंडा, उनके मुंह में सिगरेट। एक तरह से पूरी तरह से ये पोस्टर जो है एकदम बेहुदा दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि इस समय वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही है और इसीलिए उन्होंने आज अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। लेकिन स्पष्टीकरण से कोई बात नहीं बनने वाली है, क्योंकि 4 FIR उनके खिलाफ हो चुकी हैं, 2 UP में और 2 दिल्ली में। अब उनसे पूछताछ होगी ऐसा माना जा रहा है। आप क्या मानते हैं दोस्तों, ये जो उन्होंने आचरण किया है, काली देवी के हाथ में LGBT का झंडा दिया है और एक उनको सिगरेट दी है, सिगरेट पीते हुए दिखाया है, क्या मानते हैं आप इसको? आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना नोट ज़रूर दीजिए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलूंगी किसी और कहानी के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।